तमीज, बड़े भाई को कुशन मारती है, देखे यार क्यों मार रही है। हेलो, अरे आप यहाँ? ये एक्चुअली मेरा ही घर है जहाँ पर आप खड़ी हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप मिर्ज़ा अंकल के? मैं उनका बेटा हूँ। तुम्हें देखते हुए ये सोच रहा था कि कितना खुशकिस्मत हो कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत साथी का साथ मिला। शॉपिंग पे क्यों भाई? अभी शादी में इतनी ज्यादा शॉपिंग की है, हर चीज ली है, अब क्या जरूरत है शॉपिंग की? क्यों एक बेबुनियाद शक की बिना पर अपना घर तबाह कर रहे? खुदा के लिए आंखें खोले, सोचे, अकल लगाए। आप दोनों ने मिलकर भाभी की जिंदगी को जहन्नुम बनाया है, मगर शायद ये भूल गए कि शहजीन की जिंदगी भी जहन्नुम बन सकती है। अंधा हूं मैं नहीं जानता क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या प्लानिंग है तुम दोनों की? वो इसके पीछे मुझे छोड़ देना चाहती है, मुझसे तलाक लेना चाहती है ताकि इसके साथ मिलकर अय्याशी कर सके। डनबॉस, मेरा जुर्म क्या है? मुझे क्यों निकाला जा रहा है इस घर से? तुम मेरे प्यार और मेरे साथ के भी काबिल नहीं रहे। हाजिर, अरे हद में तो तुम लोग रहो, मेरी मासूम बहन पे इतना घटिया इल्जाम लगाया। अरे बीवी है वो तुम्हारी, पर वैसे भी मैं रहना नहीं चाहता इस घर में जहाँ झूठ फरेब और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। उन मकार औरतों के हाथों खिलौना बन चुके हैं आप। बकवास बंद करो और अभी इसी वक्त निकलो इस घर से। निकलो, मैं कहता हूं निकलो यहां से। ये सब क्या और क्यों हो रहा है? एक एक करके सब निकल गए, मेरी जिंदगी खाली हो गई, ये घर खाली हो गया। क्या सब कसूरवार थे या फिर कोई और बात है? आखिर इन लोगों को नूरी से किस बात का खौफ है? किसी भी तरह करके इसे वापस भेजें, वरना ये हमारा सारा काम खराब कर देगी। इतनी मुश्किलों से मैंने आजर को हासिल की और अब ये नूरी मेरी खुशियों को बर्बाद करना चाहती है। नूरी का तुझे जिंदगी भर एहसान मंद होना चाहिए, शुक्रिया कर, कुर्बानी दी उसने अपनी जिंदगी की। उसने अपनी जिंदगी और खुशियां दोनों खुद अपने हाथों से बर्बाद किए। क्या जरूरत थी पूरी राम कहानी सुनाने की? ना वो कहानी दोहराती, ना शहीर वो बातें सुनता। नूरी ने क्या एहसान किया है नाजी पर? आखिर वो कौन सी बात है जो शहीर ने सुन ली थी और इन सब का काम खराब हो गया? ये सब क्या हो रहा है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आज़े कैसी लग रही हूं मैं? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? घर में इतनी परेशानी चल रही है और तुम्हें मेकअप और स्टाइलिंग से फुर्सत नहीं मिल रही। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें बाबा के यहां से चले जाने की खुशी। ऐसा कुछ नहीं है। चुप कर जाओ। आज़ा